यार इसे बनी तो ये है। नहीं नहीं एक ही कहीं बनी है, वो छोटी बड़ी है। नहीं नहीं कितना खोल रहे हैं सर, खोल के दिखाओ। वो कौन आता है? अच्छा वो पीछे जाएगा, जरा ऑन दिखा के देखो, हो गया था को पीछे? नहीं वो तो ये लाओ घर नहीं, मैं देने में हल्का है। चलो जरा के अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखें, आमीन सुम आमीन। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़े का होने वाला है, तो आपने इस व्लॉग को फुल वॉच करना है। नहीं हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना है, और बहुत सारी दुआ में मुझे अपनी याद रखना है, ठीक है जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी मैं बाज़ार गई हुई थी हस्बैंड के साथ आज, चूँकि चिकन तो सबको पता ही है कि ज़रा गर्मी की वजह से सस्ता हुआ है, तो बच्चों का दिल चाह रहा था दी मम्मा बारबेक्यू करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है इतनी गर्मी में, लेकिन फिर बच्चों की तो माननी पड़ी ना। तो फिर बाहर ना हम वो ग्रिल करने के लिए जो ये मिलती है ना, आपने देखी है ना प्लेट्स, अब इनको क्या कहते हैं मुझे परफेक्ट पता नहीं है, तो वो लेके आए थे। और साथ में रास्ते में ना फिर हस्बैंड ने मुझे आलू और इमली आलू बुखारे का ना शरबत पिलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि तरबूज लेते हैं, तो बस यहाँ पे अब तरबूज ले रहे हैं। अच्छा जी अब तो मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब तरबूज की मैं कटिंग करूँगी दो तीन शेप्स में जी। तो बस अब कटिंग करके तो उसको रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि ठंडा करके इसको खाने का मज़ा ही अलग है, ठीक है जी। तो अभी तो गर्मी है ना, गर्मी की वजह से गर्म बहुत ज़्यादा है, तो बस यहाँ पे देख के मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा पहले थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँ, बहुत ही यम्मी मज़े का है। तो बस इसको करते हैं जी अब कटिंग और इसको रखते हैं फ्रिज में। जी तरबूज को देख लें, मैंने दो तीन शेप्स में कटिंग कर दी है, जैसा भी बच्चे खुश होकर खाना चाहेंगे तो बस वो खा लें। लेकिन मुझे उम्मीद ये है सबसे पहले उन्हें ये काशों को ही हाथ लगाना है खाने के लिए, ठीक है जी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो आप भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये खिलाएं, पानी की कमी भी पूरी करता है और वैसे भी इतनी गर्मी में फ़ायदेमंद ही होता है, ठीक है जी। तो बस अब इसको कटिंग मैंने कर ली है, ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, तो इसको रखते हैं फ्रिज में। हस्बैंड कह रहे थे मेरे लिए तुम काट के ना तो इसे फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में,
ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वो तो फ्रिज में रख दिया था, अब ये थोड़ा सा काट के ना मैं आपके लिए एक प्लेट ना फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो आप खा लीजिएगा। हम जब छोटे होते थे ना तो मेरे अब्बू ना तरबूज को काट के ना तो एक बाउल में डालते थे, इसके अंदर डालते थे बर्फ़ और साथ में इसके अंदर डालते थे रूह अफ़ज़ा। हम लोग इसको ऐसे ठंडा करके खाते होते थे। तो लेकिन ये है कि मेरे इधर ससुराल में इतना ऐसे नहीं इन्होंने कभी भी खाया, ये लोग ऐसे ही ठंडा करके खाते हैं। तो कभी हुआ तो मैं वैसे आपको वो भी करके दिखाऊंगी, जैसे अपनी बचपन की यादें जो है ना ताज़ा हो जाएंगी, तो कभी इंशाल्लाह आपके साथ मैं वैसे भी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे अब हस्बैंड भी आ गए थे, वो ऊपर गए हुए थे बर्ड्स के पास और अहमद भी आ गया था, तो बस देखा इन्होंने सबसे पहले आते साथ ना काशो को ही हाथ लगाया, कह रहे थे मेरे लिए, मैंने कहा वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, कहते ठीक है वो फिर मैं आराम से भी इंजॉय करूँगा, अभी फ़िलहाल हम काश खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जी आप खाएँ इसको इंजॉय करें। अच्छा जी यहाँ पे अब ये ठंडा हो गया था जो मैंने फ्रीज़र में रखा था, इसको मैंने तीन प्लेट्स में डिवाइड कर दिया था, इसके ऊपर मैं पिंक सोल्ट जिसको काला नमक कहते हैं ना वो डाल के मैंने हस्बैंड को मम्मी को और पापा को दे दिया था, और बिलाल भी आ गया था, इसने भी देखने सबसे पहले काशी पकड़ी थी। ठीक है जी, तो इनको बहुत पसंद है ये ना तरबूज के ऊपर काला नमक स्प्रिंकल करके ना शौक से खाते हैं। तो आप लोगों को पसंद है ऐसे खाना कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, तो बस ये तरबूज इंजॉय करते हैं। दोपहर का खाना नहीं आज हमने खाया था क्योंकि शाम को बच्चों ने करनी है जी बारबेक्यू, तो फिर वो कह रहे थे दोपहर को बस हल्का फुल्का सा ये तरबूज से ही करते हैं जी इंजॉय। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, यहाँ पे मम्मी दोपहर रह गया था तो बस अब ये भी आ गया है। कोई बात नहीं, खाओ तुम। आप खाओ, मैंने खा लिया, आप खाओ मेरे प्यारे बेटे, जो चीज़ खाता ना वो बैद ज़रूर टेस्ट करवाता है। अच्छा वो बैद की खूसियत भी ये है, बैद जिस चीज़ पे हाथ रख दे ना वो फल हो कोई भी, तो वो इतना मीठा निकलता है ना कि बस बहुत ही मज़े का निकलता है जिस चीज़ पे मम्मा दू बैद हाथ रखते। तो अच्छा ये बस इसके गंदे काम है, शर्ट से मुँह कौन साफ़ करता है? ये देखो क्यों कर रहे हो, मना कर रही हूँ। नहीं ना जूस नहीं साफ़ करते गंदे बच्चे।
Thank you.
बस जी आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो किचन भी नीट क्लीन कर लिया और खा पी भी लिया, उसके बाद रात को हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो बस इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।